अस्सलाम गाइस, आज के इस वीडियो में हम एडसेंस की न्यू अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एडसेंस अपनी पेमेंट्स जो है वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू डिसकंटिन्यू करने जा रहा है इन दी अर्ली ऑफ 2021। तो अब हम पेमेंट्स कैसे रिसीव कर सकते हैं? बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो यू कैन रिसीव लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम अस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। आपने किसी भी बैंक में अपनी अकाउंट ओपन कर लेना है। तो अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो बेटर यही है कि आप अपना अकाउंट है वो ऑलमोस्ट अपना जो नेम है वो वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि आप बैंक अकाउंट का जो टाइटल है वो कुछ भी रख सकते हैं, हम तो अपनी कंपनी का नेम भी रख सकते हैं। बेटर यही है कि आप उसमें कुछ अपना जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एटलीस्ट वहाँ पर ज़रूर हो। तो अब बात करते हैं कि हमने अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए अगर मैं जाता हूँ एडसेंस के अंदर, मैं गो टू दी एडसेंस, ये हमारा एडसेंस का होम पेज है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो जाना है तो आप एडसेंस गूगल और न्यू पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो आपके पास ये पेज विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करनी है, उसके बाद यहाँ पर व्यू पेमेंट्स आता है, इस पर क्लिक करें एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पेमेंट्स मेथड यहाँ पे विजिबल होगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड नहीं होगा, मतलब अगर आपने पहले कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ तो वो। इन माय केस मैंने वेस्टर्न यूनियन ऐड किया हुआ था तो अब वो डिस्काउंट नहीं होने जा रहा है, तो क्योंकि वो 2020 के स्टार्ट में होगा तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बैंक के थ्रू करने हैं वो मैं अभी कर लूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैनेज पेमेंट मेथड्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन भी ऑलरेडी एडेड है और मैंने बैंक अकाउंट भी ऐड किया हुआ, तो इसको मैंने सेट एज प्राइमरी कर दिए। और प्राइमरी का मतलब ये होता है कि आप इस जो है पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, और ये दिस इज़ द सेकेंडरी वन। तो सेकेंडरी वन मतलब अगर इसमें पेमेंट आपकी किसी वजह से नहीं होती तो फिर मे बी इसमें जाती हो, या फिर आप इसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ये यूज़ेबल नहीं है करंटली, यूज़ेबल ये ही है डायरेक्टली। तो गूगल जब पेमेंट्स रिलीज़ करेगा तो सबसे पहले इसी बैंक अकाउंट को हिट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का बटन होगा आपके पास, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा फॉर्म विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, कुछ चीज़ें मतलब मैंडेटरी होती हैं। तो जो ऑप्शनल हैं जैसे बेनिफिशियरी आईडी है तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपका नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो ये आपने एग्जैक्टली जो आपके एटीएम वगैरह पे या आपकी चेकबुक पे नेम विजिबल होता है तो आपने वैसे का वैसे नेम यहाँ पे लिख देना है। ये आपने नेम वो वाला एडसेंस वाला नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आपने जो नेम लिखना है जो बैंक अकाउंट के ऊपर दिया हुआ है, उसके बाद आपने बैंक का नेम लिखना है, ठीक है। बैंक का नेम कम्प्लीट नेम, नॉट द ब्रांच नेम, ठीक है। तो बैंक का कंप्लीट नेम जैसे मेरा बैंक है तो वो हबीब बैंक लिमिटेड है, तो इसी तरह आपके जो भी बैंक होगा आप उसका नेम लिख सकते हैं। तो ब्रांच कोड का यहाँ कोई मेंशन नहीं करना कि जी ये ब्रांच वो ब्रांच, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्विफ्ट BIC। तो स्विफ्ट BIC क्या होता है, ये एक छोटा सा कोड होता है, 8 to 11 डिजिट होता है ऑलमोस्ट। तो इसमें जो फर्स्ट 8 डिजिट होते हैं वो बैंक और उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं, कंट्री और लोकेशन के बारे में। दूसरे जो 3 डिजिट्स होते हैं एंड में वो उसकी आई थिंक जो ब्रांच है उसके बारे में बताते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बैंक की सारी ब्रांचेस के स्विफ्ट कोड बने हुए हों, ठीक है। तो समटाइम आपको ऐसा होता है कि किसी और बैंक किसी और मतलब सेम बैंक की किसी और ब्रांच का स्विफ्ट BIC कोड यूज़ करना होता है, तो इसमें इतना मसला नहीं है। सिर्फ जो वो जो चीज़ स्विफ्ट BIC से लेते हैं वो सिर्फ उसका मतलब बैंक और उसका कंट्री नेम और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है कि आपके पास अगर आपकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं बना हुआ या नहीं है तो कोई मसला हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं तो इसका कोई मसला नहीं है कि आपकी पेमेंट किसी और के अकाउंट में चली जाएगी या आपके अकाउंट बीच में फंस जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डिटेल्स वेरीफाई नहीं होगी ना तो आपकी पेमेंट उस अकाउंट में जाएगी ही नहीं, ठीक है। और जो आपकी पेमेंट है वो आपके इसी एडसेंस के वॉलेट में रहेगी। तो जो ये वॉलेट है ये भी एक काइंड ऑफ एक बैंक है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट स्टोर कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपकी अमाउंट एक मिडल में फंस जाएगी और आपको बैंक डील नहीं करेगा या आपको एडसेंस डील नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये स्विफ्ट कोड कैसे ले सकते हैं। आपने जाना गूगल के ऊपर,
ठीक है, गूगल के ऊपर लिखेंगे कि जनरेट स्विफ्ट कोड, ठीक है, रिजल्ट आपके काफ़ी सारे लिंक्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, तो आप किसी भी मतलब उस पर जा सकते हैं, फाइंडर टूल्स हैं जिस तरह, ठीक है। इसमें आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, आप इसको देख लें, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं भी। तो इसमें आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री में मैं पाकिस्तान एंटर करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना बैंक है मेरा हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने सिटी सेलेक्ट किया, सिटी मैंने सेलेक्ट किया लाहौर, ठीक है। तो उसके बाद मुझे लाहौर के जो भी स्विफ्ट कोड्स थे वो मुझे विजिबल हो गए, लेकिन इसमें जो मेरी ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, तो मैंने उठा के ऐसे ही इसका उठा के लगा दिया, ठीक है। आपने भी ऐसे करना है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी ये लगाएंगे तो आपका कोई मसला बन जाएगा, नहीं, वो यहाँ से ये चीज़ लेते हैं। और इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू के जो 8 डिजिट्स हैं ना, इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। लेट मी गो टू दिस, सॉरी दिस पेज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर 8 लेटर आपका स्विफ्ट कोड है तो उसमें जो 8 लेटर हैं शुरू के वो ये बनते हैं, और इसमें इनका क्या मतलब है, तो इसमें जो शुरू के HABB है, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हमारा जो हबीब बैंक है उसका एक कोड है, स्पेसिफिक कोड है, किसी और बैंक को अलाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टू डिजिट्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, वो हैं हमारे पास कंट्री कोड के, एंड देन आखिर में जो आते हैं टू लेटर्स, वो आपके लोकेशन के होते हैं। तो अभी ये के मतलब कराची, तो क्योंकि ये स्विफ्ट कोड इतने ज़्यादा बने नहीं होते, तो ये वही स्विफ्ट कोड जो है वो साइन कर देते हैं, जैसा आगे ब्रांच नेम चेंज कर देते हैं, तो इतना कोई मसला नहीं है इसमें, आपने परेशान नहीं होना। हम जैसे यहाँ से मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं ये लाहौर का मेरा बैंक अकाउंट था और मेरी ब्रांच का नहीं है, तो मैं जस्ट एक मेन मार्केट जो एक लाहौर की एक ब्रांच है तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये उठा के वहाँ पे लगाया है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूँगा अगर वहाँ पे विजिबल हुआ, मैंने ऐड किया हुआ। तो उसके बाद आपने IBAN नंबर, ठीक है, ये आपका जो IBAN नंबर है ये आपका आपकी जो चेकबुक है उसके ऊपर भी विजिबल होता है, और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा जो है ये SBL का अकाउंट था, तो मैंने ऑनलाइन लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, और मुझे जो है यहाँ पे देखें IBAN कन्वर्टर, तो ये मुझे इसका एक लिंक मिल गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ खुल गई। और इसके अंदर मैंने अपना बैंक अकाउंट का नंबर डाला, जो कि मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखें एंटर किया था, तो क्रिएट IBAN नंबर, और मैंने जो IBAN नंबर उसको जनरेट किया उसको मैंने वेरीफाई किया, तो वो वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। तो ये HBL की एक साइट है, अगर आप SBL के यूज़र हैं तो आप यहाँ से अपना IBAN नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो अब ये काम चलते हैं एडसेंस की तरफ, कि हमने इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हमने सारी यहाँ पे एंटर कर ली, IBAN नंबर और रीटाइप IBAN नंबर, ठीक है, ये आपने यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपकी जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपने इनको जस्ट इग्नोर कर देना और इसको सेट एज प्राइमरी करके सेव प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या एंटर किया यहाँ पर, नेम ऑन द बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक नेम एंटर किया, स्विफ्ट BIC, IBAN नंबर, ठीक है, आपकी चार डिटेल्स थी जो आपने एंटर की, ठीक है। उसके बाद ये देखें मैंने अपना जो ऐड किया था वो यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। तो आप ये अपना जो तो आप ये अपने जो बैंक्स हैं ये आप अभी से ऐड कर लें, ताकि आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको अभी एक्सपेरिमेंट है, आपका कोई भी मसला आता है इसमें तो वो अभी हल हो जाए, तो बजाय इसके कि आप जब गूगल खुद ही ये वेस्टर्न यूनियन को रिमूव कर दे और आप फिर वहाँ पे बैठे हों और फिर आपका मसला बनता रहे, ठीक है। तो अगर आप इसको अभी से रिजॉल्व कर लेंगे, इसको पेमेंट मेथड पे लगा देंगे, तो आपकी चीज़ें भी टेस्ट हो जाएंगी और आपका जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।